नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबरेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के जाने माने कानूनविद और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार जी। 26 अक्टूबर 1952 को जन्मे डॉक्टर अश्वनी कुमार जी देश के जाने माने वकील हैं। महज 33 साल की उम्र में इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता भी घोषित किया था। जब ये 37 साल के हुए तो इनको देश का सबसे नौजवान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनने का सौभाग्य मिला। अश्वनी जी इस समय पंजाब से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में पहले भी तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री रह चुके हैं। आज हम डॉक्टर अश्वनी कुमार जी से तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। अश्वनी जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। दिल्ली इस समय काफी गर्म है, वजह जो अभी गैंगरेप हुआ 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा के साथ, जो कुछ हुआ सभी जानते हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शनकारियों ने मांग की फांसी दी जाए जो भी इसके दोषी हैं, क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, मेरी सहमति या असहमति का सवाल नहीं, सवाल ये है कि जहां आक्रोश और उत्तेजना जायज़ है, बहुत ही बड़ा कुकर्म हुआ, बहुत ही घृणा पाप हुआ है और देश की आत्मा को इसने झंझोड़ा है, इसलिए जैसे मैंने कहा, आक्रोश और उत्तेजना लाजमी है और जायज़ भी है। मगर जब हम कानून बनाने की बात करते हैं तो कानून उत्तेजना से नहीं, विचार और विमर्श के बाद बनना चाहिए। कानून किसी एक विशेष केस के समाधान के लिए नहीं बनाया जाता, कानून दशकों और सदियों तक अपना काम करने के लिए बनाया जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उम्र कैद की सज़ा बलात्कार के केस में जो आज कानून में लिखी हुई है, वो सजाए मौत से भी किसी कई तरीकों से बदतर है, क्योंकि हर रोज़ जब इंसान कैद खाने में रहता है तो वो मरता है किसी न किसी रूप में। आपने देखे होंगे आज पिछले 5-7 दिनों के कई लेख, और बहुत जूरिस्टों ने और बहुत अधिवक्ताओं ने और जो कानून के जाने माने जानकार हैं, उन्होंने कहा है कि फांसी की सज़ा केवल इसका समाधान नहीं है इस गुनाह का, इसको हमको बहुत बारीकी से देखना होगा कि प्रोसिक्यूशन सिस्टम जो है, जो इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया है, उसको हम कैसे और न्यायसंगत करें, उसको कैसे हम सक्षम बनाएं ताकि जल्दी से जल्दी गुनाहगारों को सज़ा मिल सके। असल मसौदा इस वक्त सजाए मौत का नहीं है, असल मसौदा मेरा मानना ये है कि कितनी जल्दी सख्त से सख्त सज़ा हम गुनाहगारों को दिलवाएं। बिल्कुल अश्वनी जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का संविधान का आर्टिकल 20 कहता है कि जिस दिन अपराध होता है उस दिन के हिसाब से जो कानून में सजा का प्रावधान है उसी के तहत आरोपी को सजा दी जा सकती है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदर्शनकारी मांग करें कि फांसी की सजा दी जाए और बिना कानून में संशोधन के ऐसा संभव नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है जो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं वो कह रहे हैं आगे कानून में अगर संशोधन करने की जरूरत है तब किया जाए। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सज़ा तो कानून जो लागू है आजकल उसके मुताबिक दिया जाएगा, और अगर संशोधन होगा तो वो आगे अगर कोई जुर्म होता है तो उस पर लागू होगा। आप लोगों ने इस गैंगरेप के मामले के बाद जस्टिस जीएस वर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया है जो बलात्कार के मामलों पर अपना एक सुझाव रखे कि कैसे इसमें लोगों को न्याय मिलना चाहिए, किस तरह का न्याय मिलना चाहिए। आपको लगता है कि 1 महीने के भीतर जो आपने समय सीमा निर्धारित की है उसके भीतर यह आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा? देखिए, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ फैसले करने की ज़रूरत थी इसलिए हमने 30 दिन का समय दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जस्टिस जेएस वर्मा के सदारत में जो एक कमेटी बनी है ये हमारे को कारगर सुझाव दे सकेगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कमेटी उतने समय में सुझाव ना दे सके तो 10 दिन 2 हफ्ते मियाद और भी बढ़ाई जा सकती है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का माहौल देश में है, जिस तरह की घटना घटी है, उसके मद्देनज़र जल्द से जल्द जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन अपना काम पूरा करेगी। क्या इस आयोग ने काम प्रारंभ कर दिया है और आपका कानून मंत्रालय किस तरह की सहायता मुहैया करा रहा है इस आयोग? जिस तरह की सहायता वो चाहेंगे वो सहायता उनको उपलब्ध कराई जाएगी। लॉ कमीशन की बहुत रिपोर्ट्स बनी हैं जो हमारे मंत्रालय के अधीन है, जिसने पहले भी इन मुद्दों पर विचार किया है, उन रिपोर्टों को उनको दिया जाएगा। और अगर सेक्रेटेरियल असिस्टेंस चाहेंगे, किसी तरह की भी वो सहायता चाहेंगे, पूरी सहायता उस कमीशन को हम देंगे।
रिपोर्ट जब यह आ जाएगी इस आयोग की, इसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी? उसके बाद कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी, कैबिनेट जो फैसला करेगी वो फिर हम सदन में उस पर चर्चा होगी, क्योंकि ये देश का मुद्दा है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की राय मांगी जाएगी, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया जाएगा, जो फाइनल फैसले होंगे उनको अंजाम देने के लिए अगर कानून में संशोधन की जरूरत होगी तो संशोधन किया जाएगा। जो भी प्रक्रिया होगी वो अगली स्थिति पर निर्भर करेगी। बिल्कुल, संसद ही कानून बनाता है। आपकी क्या कोशिश होगी बतौर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कि संसद के दोनों सदनों में इसको ठीक तरीके से और समयबद्ध तरीके से पास कर दिया जाए? मेरी कोशिश होगी कि हो सके तो बजट सेशन में ही इस पर पूरी कार्रवाई की जाए। अगर 30 दिन को लेकर हम चलें तो अगर जनवरी के आखिर तक भी हमें ये रिपोर्ट मिल जाती है तो फरवरी के महीने में किसी वक्त कैबिनेट इस पर विचार करेंगी, मंत्रालय इस पर, मंत्रिमंडल इस पर विचार करेंगे, और उस विचार के बाद जो नतीजे निकलेंगे उन नतीजों को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर करने की आवश्यकता अगर समझी गई तो वो किया जाएगा, और उसके बाद जो कंसेंसस बनेगा, जो आम राय बनेगी, उसके मुताबिक अगर ये समझा गया कि कानून में संशोधन की जरूरत है या प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें संशोधन करने की जरूरत है तो संशोधन की कार्रवाई की जाएगी और फिर बिल को लाया जाएगा सदन में और उस वहाँ बहस होगी दोनों सदनों में और फिर बिल पारित होगा। आपकी तरफ से यह पूरी कोशिश होगी कि यदि जस्टिस वर्मा आयोग यह समझता है कि वाकई कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो आप सारी तैयारियों को अंजाम देते हुए फरवरी तक देश को एक नया कानून देने की कोशिश करेंगे? मेरी कोशिश है कि बजट सेशन में इस कानून को लाया जा सके, ये हमारी कोशिश है। अब आगे बहुत चीज़ों पर निर्भर करेगी कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम अंजाम दे सकेंगे जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस को। आपके हिसाब से बलात्कार की सबसे कड़ी सजा क्या होनी चाहिए? ये सवाल मैं समझता हूँ कि मेरा ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत राय चाहे कुछ भी हो, बतौर कानून मंत्री मुझको वो करना है जिस पर देश में आम राय है, और देश में आम राय चर्चा के बाद बने, विचार विमर्श के बाद बने, एक गहन चिंतन के बाद बने, ये मेरी चेष्टा होगी। क्योंकि देखिए, मैं एक बात जोर दे के कहना चाहता हूँ, जैसा आप जानते हैं तारीख ने देखे हैं कुछ ऐसे भी लम्हे, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, ऐसा ना हो कि कोई जल्दबाजी में हम कोई गलती कर बैठे तो आने वाली नस्लों को उसको भुगतना पड़े। कानून बनाने की प्रक्रिया एक बहुत संवेदनशील प्रक्रिया है, यह समाज को इकट्ठा रखने की प्रक्रिया है, जुर्म को दूर करने की प्रक्रिया है, मगर कोई ऐसा कानून नहीं बना चाहिए जिसे हम ऑप्रेसिव स्टेट पर। अश्वनी जी, आपको बेबाक बयान देने के लिए जाना जाता है, ठीक है, कानून मंत्री के तौर पर नहीं सही, देश के जाने माने कानूनविद के तौर पर आपकी क्या राय है? मेरी बतौल वकील और एक नागरिक की ये राय है कि कोई भी कानून जो बनाया जाए वो ऐसा हो जो सही मानों में न्याय संगत हो और जिसका दुरुपयोग ना हो सके। इसलिए मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ज्यादा मुद्दा सजा का नहीं है, ज्यादा मुद्दा है हमारे जो प्रोसीजरल प्रक्रिया है उसमें कमियां हैं कि बीसों साल मुकदमे चलते हैं, उसके बाद गुनाहगार को सजा नहीं मिलती और बेगुनाहगारों को सजा मिल जाती है। वो जो दोष हैं हमारे प्रोसेसेस में, उनको हम कैसे एड्रेस करें, यह मुख्य चुनौती है, और ये मेरी पर्सनल विचार भी है, मेरा लॉ मिनिस्टर के मुताबिक के हैसियत से भी यही विचार है और एक वकील की हैसियत से भी यही विचार है। और एक मुलाकात में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी देश के जाने माने कानूनविद और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार जी से बातचीत जारी रहेगी। From the capitals of four states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati, and Bhubaneswar. News, views, and analysis. StateScan, Monday to Friday, 10:30 AM, only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार जी से। अश्वनी साहब, उम्र कैद का वास्तविक मतलब दरअसल है क्या? आम आदमी यह समझता है कि उम्र कैद का मतलब जीवन भर की कैद,
जबकि कानूनी लिहाज से इसकी अवधि अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है कि उम्र कैद का मतलब है उम्र कैद, मगर यह है कि पैरोल के मुताबिक और कई जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उसके मुताबिक कोई कहते हैं कि 14 साल के बाद बरी होता है। उसमें अभी थोड़ा सा उसमें एम्बिग्यूटी है, मगर मेरा ये मानना है कि देखिए 14 साल हो, 12 साल हो, 20 साल हो, सवाल ये है कि जो इंसान 14, 20, 12, 18 साल जेल में रह लेता है वो कितनी बार रोज़ मरता होगा, ना उसका परिवार उसके साथ, ना उसकी डिग्निटी उसके साथ, ना उसका उसकी आज़ादी उसके साथ। तो उम्र कैद की सज़ा भी बहुत सख्त सज़ा है जो आज भी कानून में निहित है। एक वकील के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे देश में फांसी की सज़ा पर राजनीति खूब होती है, चाहे वह बलात्कार के मामले में हो, हत्या के मामले में हो, या फिर आतंकवाद के मामले में, ऐसा क्यों? देखिए, हम इस केस से जो दुर्घटना घटी है दिल्ली में, इससे ज़रा हट के इस पर अगर चर्चा करें तो मैं आपको कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इसी मुद्दे पर एक गहन बहस बहुत हफ्तों चली थी कि सजाए मौत संवैधानिक तौर पे जायज़ है कि नहीं। तो सारे वकीलों की दलील सुनने के बाद, इसमें फिलॉसफी भी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, लोगों के पर्सनल भावनाएं भी हैं, सभी को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक वाया मीडिया निकाला कि आम तौर पर सजाए मौत नहीं सुनाई जाएगी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में सजाए मौत सुनाई जाएगी, जहाँ किसी ने किसी की जान ली है वहाँ पर भी कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो, कोई बहुत ही जिसे कहते हैं वहशियत का केस हो, कोई बहुत ही दरिंदगी जहाँ हो और जिसको हम इनह्यूमन कह सकें, वहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जाना जाएगा। और जहाँ पर सारे मुल्क के ऊपर हमले की बात हो, जैसे कसाब के केस में हुई, जिसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जानकर सजाए मौत दी गई, वहाँ पर दी जाएगी। तो इसलिए इस मुद्दे पर ये पहली और आखिरी चर्चा नहीं है जो आज आप हमसे कर रहे हैं, इस पे पहले भी चर्चा होती आई है, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। शायद यही कारण है कि आज़ादी के बाद से हत्या के देश भर में लगभग 15 लाख केस दर्ज किए गए, लेकिन फांसी की सजा मिली सिर्फ 50 लोगों को। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कानूनी जटिलताओं का फायदा उठाकर अपराधी जो है बच निकलता है? ये तो सही है कि कानून के जो दावपेच हैं उनका फायदा उठा के कई गुनाहगार सजा मुक्त हो जाते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। तो इसीलिए चुनौती, मैंने बार बार कहा, ये है कि ये जो गैप्स हैं कानूनी दावपेच के अंदर, इनको हम कैसे भरें और कैसे सुनिश्चित करें कि जो गुनाहगार नहीं है उसको सज़ा ना मिले और जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिले। कभी कभी भावनाओं के की धारा में बह के कभी गलती ना हो जाए, ये सुनिश्चित करना भी जो सरकार में है उनका फ़र्ज बनता है। इसीलिए हम जुडिशरी को इंटरेस्ट करते हैं सज़ा देने का काम, ताकि वो रिकॉर्ड के मुताबिक जो सही है उस पर काम करें। इसमें कभी कभी अन्याय भी होता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, पर और कोई रास्ता नहीं। आपने अजमल कसाब की चर्चा की। अश्वनी साहब, जिस तरह से आपकी सरकार ने पिछले 21 नवंबर को अजमल कसाब को फांसी के फंदे पर लटकाया, जिस गोपनीय तरीके से सारा अभियान अंजाम दिया गया, उसकी काफ़ी सराहना की गई। क्यों नहीं आप लोग लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर लटकाते हैं? देखिए, किसको फांसी देनी है, कब देनी है, ये राष्ट्रपति जी के अधिकार क्षेत्र में है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना पर अपना फैसला करते हैं। इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। तीन महत्वपूर्ण कानून हैं जो पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करते हैं, आईपीसी 1860 का, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना। समय समय पर इस पर संशोधन भी हुआ। आपको नहीं लगता कि 1860 और 1872 के कानून में और आज के कानून में कुछ बदलाव करने की, महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो मैं कहूँगा कि काबिले तारीफ है कि 200 साल अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून आज भी चल रहा है। कहीं ना कहीं उनका क्रेडिट भी हमको उनको देना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ हमने सोचा कि संशोधन की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ समय समय पर सरकारों ने इसमें संशोधन किया। कोई कानून बहुत पुराना है, इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत कानून है या वो कानून इरेलीवेंट है या वो कानून अपना काम नहीं कर रहा, मगर ये ज़रूर है कि वक्त बदलते, वक्त के साथ बदलते हालातों के साथ
हमको जो कानून है उनमें अगर संशोधन की जरूरत होती है तो हमेशा तैयार रहना चाहिए संशोधन करने के लिए, और ऐसा ही भारत के संसद ने, स्टेट की विधानसभाओं ने किया है समय समय पर। थोड़ा राजनीतिक सवाल करेंगे, आपकी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं बाहर से मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हाल में ही उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार CBI का दुरुपयोग करती है, हकीकत क्या है? उनका इल्ज़ाम बिल्कुल निराधार है और उन्होंने बाद में स्पष्ट भी शायद किया है। ये जो दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, UPA सरकार के समय में तो नहीं हुआ, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ। जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिन अफसरानों के बयान आए हैं, जिनके मुतल्लक बयान आए हैं, वो NDA सरकार के वक्त की बात है। जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, 2004 से लेकर 2012 तक, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमने कभी CBI का दुरुपयोग नहीं किया। SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देने का मामला संसद में खूब सुर्खियां बटोरा, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाती कि आरक्षण का खेल ही समाप्त किया जाए, कि देश में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया जाए? आपको नहीं लगता कि आरक्षण का खेल कहीं ना कहीं राजनीतिक वोट बैंक से जुड़ा हुआ है? देखिए, Article 14 के मुताबिक, संविधान के Article 14 के मुताबिक सभी को बराबरी का अधिकार है, सभी जो नागरिक हैं वो बराबर के माने जाते हैं। मगर जिसको हम कानून में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग किसी न किसी कारणों से पिछड़ गए, चाहे आर्थिक स्थिति से, चाहे सामाजिक से, चाहे एजुकेशनल बैकवर्डनेस से, उनको औरों के मुकाबले में लाना भी बराबरी, सबको बराबरी देना है। इसलिए संविधान ने इसको मान्यता दी है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द वीकर सेक्शंस को वाजिब माना गया है संविधान की रूप से। संविधान यह कहां कहता है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दें? आपकी सरकार तो यह भी कोशिश कर रही है कि अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। नहीं, देखिए, ये बहुत पेचीदा मसले हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं। अगर आप माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो अभी तक उसमें कोई बात आगे बढ़ी नहीं है। मगर ये बात मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जो भी हमारी सरकार करेगी, संविधान के अनुकूल करेगी, प्रतिकूल नहीं करेगी। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी देश के जाने माने कानूनविद और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार जी से बातचीत जारी रहेगी। Buzz beyond all the biz in Amchi Mumbai. The transforming face of Singara Chennai. The changing profile of the city of joy, Kolkata. Keep track of the latest developments in these cities on Metro Scan, Monday to Friday, 6:30 PM only on TD News. Break ke baad ek baar fir aapka swagat hai ek mulaqat mein. Aaj hum baat kar rahe hain भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार जी से। लोकतंत्र के चार खंभे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अक्सर खबरें आती हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन न्यायपालिका का क्या? बतौर विधि और न्याय मंत्री, क्या आप यह मानेंगे कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है? कुछ हद तक ऐसी शिकायतें अब मैं कहूँगा कि बढ़ी हैं और मुझे खेद है कि ऐसा हो रहा है। हर रोज़ मैं कोई ना कोई शिकायत अपने डेस्क पर पाता हूँ। अब बहुत सी शिकायतें ऐसी हैं जो किसी नाम के बगैर हैं, जो प्रमाणित नहीं हो सकती। मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतों का जोर बढ़ रहा है। इसलिए हमने अभी कैबिनेट से स्वीकृति ली है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की। वो मैंने उसको तजवीज़ किया था और कैबिनेट ने उसको स्वीकृति दी है। उस बिल के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि जुडिशरी में भी अगर कोई खामियाँ हैं, कोई कमियाँ हैं, तो उसकी जवाबदेही जुडिशरी करे और हम जुडिशरी से सवाल जवाब तलब कर सकते हैं। कब तक माना जाए कि देश को यह कानून मिल जाएगा? हम बजट सेशन में इस कानून को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। ऐसा भी अक्सर देखने में आता है कि जज न्यायालय में बैठकर कई बार ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिसको लेकर के बाहर मीडिया में खूब खबरें बनती हैं। इसी बिल के माध्यम से उसको एड्रेस किया जा रहा है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जजेस कोई ऐसी टिप्पणी ना करें
जो फैसले के लिए ज़रूरी ना हो, जो केस उनके सामने है उसके फैसले के लिए ज़रूरी ना हो, ना केवल संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी ना करें पर किसी भी लिटिगेंट या नागरिक के खिलाफ ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे उनकी रेपुटेशन पर घात पहुंचे और जो टिप्पणी केस के फैसले के लिए ज़रूरी ना हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। वर्तमान जो कॉलेजियम प्रणाली है इसको बदल कर आप लोगों की कोशिश चल रही है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाए, कब तक यह आयोग बन जाए? मुझे उम्मीद है कि इसको भी हम अगले महीने कैबिनेट में लेके आएंगे और अगर कैबिनेट ने इस बिल को स्वीकृति दे दी तो इसको भी बजट सेशन के अंदर हम देश के संसद के सामने लेके आएंगे। आपसे इंटरव्यू करते हुए मुझे कई ऐसी नई बातें देखने में मिल रही है कि देश को एक नया डायनेमिक कानून मंत्री मिला है। जब आप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो देश को कई नई चीज़ें मिलेंगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिल आपने कहे ये तो आएंगे ही। लोकपाल का बिल भी हमने करीब करीब क्लियर कर ही दिया है, वो भी अगली कैबिनेट में अप्रूव होने के बाद उसको भी बजट सेशन में लाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक बात की और जानकारी देना चाहता हूँ कि ग्राम न्यायालय बिल एक्ट जो हमने 2008 में पास हुआ था, जिसके तहत हमने कहा था कि लोगों के लिए न्याय लोगों के द्वार तक पहुँचाएंगे, इसलिए हर ब्लॉक में, हर ज़िले के हर ब्लॉक में हम न्यायालय स्थापित करने जा रहे हैं। मैंने आज ही चीफ जस्टिसेस और चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी है ये सुनिश्चित करने के लिए कि रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हों और नए जुडिशियल ऑफिसर्स और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट्स का दिया जाए, ताकि आम साधारण झगड़ों को लेकर लोगों को शहरों में भटकना ना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बात जो आज मैंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है और चीफ जस्टिसेस को भी लिखा है कि रेप और मर्डर जैसे जो केसेस हैं जो बहुत दिन से लंबित पड़े हैं उनके लिए ना केवल दिल्ली में, देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का आयोजन किया जाए, ताकि इनकी जो फैसले हैं वो बहुत जल्द हम कर सकें। देखिए मुख्य मकसद क्या है हमारा, कि आम लोगों के पास जल्दी और सस्ता न्याय और उचित न्याय पहुंच सके। अगर न्याय की लॉ एंड जस्टिस के सिस्टम में लोगों का अगर विश्वास उठ जाता है तो इससे ज़्यादा बड़ा खतरा देश के लिए और कोई नहीं है, क्योंकि फिर हम बिल्कुल एनआरकी की ओर बढ़ेंगे। इसलिए मैं हर वो कदम उठाऊंगा जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं जो आम देशवासियों को न्याय दिलवा सके, जल्दी न्याय दिलवा सके और कम दाम पर न्याय। बिल्कुल, कहा जाता है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं रह जाता। आम फरियादी की आम तौर पर सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है, सबसे बड़ी पीड़ा यही रहती है कि मुकदमा दर मुकदमा, तारीख दर तारीख निर्णय कभी आता ही नहीं। सही बात है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहते हैं, मगर अब और क्या हम आगे कर सकते हैं, किस तरह के संशोधन कर सकते हैं कानून में, किस तरह का कि सेंसिटाइजेशन जुडिशरी की कर सकते हैं, वकीलों की कर सकते हैं, लिटिगेंट्स की कर सकते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को नेशनल ऑब्जेक्टिव मान के सस्ता और जल्द न्याय लोगों को मिले हमको काम करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण समस्या पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा डॉक्टर अश्विनी जी, देश के कई ऐसे राज्य हैं जो आबादी के लिहाज से काफ़ी बड़े हैं और आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो न्यायालय हैं वही पुराने। एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देता हूँ। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के लिहाज से, वहाँ पर सिर्फ एकमात्र हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसकी एकमात्र पीठ है लखनऊ में। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नदी के दो किनारे जैसे हैं, काफ़ी दूरियाँ हैं, क्यों नहीं यहाँ पर अन्य जगहों पर पीठ स्थापित करने की दिशा में पहल किया जाता ताकि फरियादियों को आसानी हो? ये आपके का उचित सवाल है और मुझे आगरा से और वेस्टर्न यूपी से मेरठ के वकील मिले हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री भी मुझे इस समर्थन में मिले हैं, इस डिमांड के समर्थन में। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके ऊपर कुछ जल्दी फैसला ले सकूं। मामला पेचीदा है, इसमें 1965 की कैबिनेट का फैसला है, इसमें कुछ कैबिनेट के फैसले हैं, इसके अंदर चीफ जस्टिस से राय करने की ज़रूरत है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। तो इसके ऊपर मेरा अपना जो व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि अगर कोई और पीठ स्थापित करने की ज़रूरत है तो हमको सिंपथेटिकली उस पर विचार करना चाहिए, ताकि लोगों को बहुत दूर दराज इलाकों से
आकर कचहरी में दस्तक ना देनी पड़े और भटकना ना पड़े, ये उचित डिमांड है। मगर ये किस तरह और कैसे पूरी होगी, क्योंकि ये पूरी एक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया है, इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो आम राय बना के आगे बढ़ने की मैं कोशिश करूँगा। देश भर के पुलिस थानों में जो कार्रवाई होती है, इसकी वीडियोग्राफी कराए जाने की भी कोई योजना है आपके मंत्रालय के पास? अभी मैंने फाइल पर ऐसे कोई योजना नहीं देखी, पर हम एक काम कर रहे हैं, हम कचहरियों में खास तौर पे ई कोर्ट्स का की प्रक्रिया बना रहे हैं कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होगा, डिजिटलाइज्ड होगा, कौन सा केस को फैसला होने में कितना समय लगा, किस जज ने कितना समय किस केस में लिया, ये सब कंप्यूटर पे नज़र आ जाएगा। जब ऐसा होता है तो फिर यकीनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में स्फूर्ति आएगी। त्वरित न्याय लोगों का अधिकार भी है और उनको त्वरित न्याय देना हमारा फर्ज भी है। और इसी कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जो भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकेंगे हम करेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे को प्रधानमंत्री साहब ने स्पष्ट तौर से कहा है कि लोगों को सार्थक न्याय, त्वरित न्याय, उचित न्याय, जल्दी जल्दी न्याय और कम पैसों में न्याय मिले, ये उनकी सरकार की प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता को अंजाम देने के लिए जो भी उचित कार्रवाई है वो सभी करेंगे। तो क्या माना जाए कि निकट भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अदालती कार्रवाइयों की भी वीडियोग्राफी हो? मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है, ज़रूर मुमकिन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री और देश के जाने माने कानूनविद डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। हमें लगता है कि देश को लंबे समय बाद एक ऐसा कानून मंत्री मिला है जिसे यह जुनून है कि वह दिन पर दिन काम करते जाए, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब डॉक्टर अश्विनी कुमार विधि और न्याय मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो देश को कानून मंत्रालय से कुछ अच्छे और बड़े कानून आम जनता के हित में मिलेंगे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।